महारानी श्री राधा रानी जाके बल मैं सब सो तोड़ी लोक वेद कुल कानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी भगवत रस सहायक सब दिन सर्वोपरि सुखदानी। राधा राधा जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा। राधा राधा जय 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा। Bye.
ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ଏପଟ ସେପଟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ପେଣ୍ଡେଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ରାଇଟ ଆଉ ତିନି ମିନିଟ ପରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସିଏ ଆଉ ତିନି ମିନିଟ ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଗଛ ଛାଇରେ ଏପଟେ ତ ବସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପକା ହେଇଛି। ବସିପାରନ୍ତି ଯଦି ଫାଙ୍କା ଥାଇ ବସିପାରନ୍ତି ନହେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବସିପାରିବେ ତଳେ ବସିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you।
Thank you.
जीवनी राधा जय रास विलास निराधा नित कुंज निवास निराधा श्री कृष्ण शरोमणि राधा जय श्याम संजीवनी राधा जय रास विलास निराधा नित कुंज निवास निराधा वृंदावन रानी राधा मोहन मनमानी राधा ब्रज चंद्र चकोरी राधा वृषभान किशोरी राधा जय नित्य विहार निराधा ब्रज सुख विस्तार निराधा रसिकन की स्वाम निराधा करुणा निधि निराधा सवेली राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा राधा जय 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 श्री राधा राधा शिरोमणि राधा जय श्याम संजीवनी राधा श्री कृष्ण शिरोमणि राधा जय श्याम संजीवनी राधा जय रास विलास निराधा नित कुंज निवास निराधा जय रास विलास निराधा नित कुंज निवास निराधा वृंदावन रानी राधा मोहन मनमानी राधा वृंदावन रानी राधा मोहन मनमानी राधा 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 जय 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 राधा राधा जय 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 श्री राधा 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 जय जय श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा।
स्थान ग्रहण कर समस्ते श्रृंखला सहित बसी जातु सफिसीएंट जगह अच्छी सीनियर सिटीजन मानक चेयर व्यवस्था अच्छी चेयर बस समस्ते भितर को पलि आसतु दयाक खरार ठिया हूँ ना भितर को पलि आसतु फोटो उठातु ना कि भिड नि पुष्पगुच्छ अर्पण कर पुष्पगुच्छ आमर ये प्रदान करा जीवो जने जने ना डाकिबी दया करि टिके शीघ्राति शीघ्र आसीबार चेष्टा करिवे सर्वप्रथमे कोटि कोटि प्रणाम आपण मानंकु श्रीमान सहदेव महंत रीका टीचर केउघर राधा गोविंद धाम नूतन भावे प्रतिष्ठित श्रीमान सहदेव महंत केउघर राधा गोविंद धाम रो नेतृत्व करथवा रीका टीचर कर ध्वज परिडा आमर स्थानीय सरपंच बोधे आसी नहांती साउना टुडु जे कि आम हाईस्कल जो स्टूडेंट थे सी सानपटना जीपी वर्तमान अच्छा सरपंच चतुर्थ जन्मेजय महांत आमर ये हो जन्मेजय महांत गाँ मुखिया से पुष्पगुच्छ नहीं स्वामीजी ठार् आशीर्वाद नवा हूँ तापर श्रीमान बापी सिंह जनरल सेक्रेटरी राधा गोविंद धाम पचर बसी स्कूल अनुरोध करी सी आसिक बबिता महांत सी आसी स्वामी को पुष्पगुच्छ दे आशीर्वाद ग्रहण करवा हूँ से आशीर्वाद धरणीधर मिश्र कॉलेज बहुदा डीएल कॉलेज एक्स प्रिंसिपाल धरणीधर मिश्र पड़े आसतु शीघ्र तापर चाईबसार आसी पप्पू खीरवाल वही से आए चाईबसार से आए तापर आम ओलाजुड़ी पंचायत विशिष्ट समाजसेवी श्रीमान रत्नाकर महंत ओलाजुड़ी पंचायत विशिष्ट समाजसेवी रत्नाकर श्रीमान सूर्यकांत घना राधा गोविंद धाम प्रेसिडेंट रायरंगपुर श्रीमान सूर्यकांत घना राधा गोविंद धाम प्रेसिडेंट रायरंगपुर शेषे आमर जो गंभारिया गोटे भक्त मंडली आसी गंभारिया गंभारिया रिटायर्ड टीचर आम को यूपी स्कूल पाठ पढ़े समस्त को आम राधा गोविंद धाम पिछिया ब्राह्मणी तरफ समस्त को अनेक अनेक स्वागत समस्त को सप्रेम राधे राधे पंचम मूल जगत गुरुतम श्री उपालजी महाराज लब्ध प्रतिष्ठित प्रमुख प्रचारक पूज्य स्वामी श्री मुकुंदानंद जी आम गहन रे वर्तमान मंचन सत्य भगवत उपलब्धि करने संन्यास ग्रहण करिथिले भक्ति जगर प्रचंड प्रवक्ता जगद्गुरु श्री कृपालजी महाराज शरण रे आसी स्वामीजी श्रीकृष्ण प्रेम रे अंतर को पुलकित करने सहित आध्यात्मिकता मार्ग बाछी नहीं परे कठोर साधना एवं शास्त्र अध्ययन करी विगत 40 वर्ष धरी विभु कृपार प्रचार एवं प्रसार करी आसुचंत निज देश
ଭାରତ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ନ ରଖି ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାମୀ ମୁକୁନ୍ଦାନନ୍ଦଜୀ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଜଣେ ଜଣେ କୁଶଳ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତିର ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ମହତ୍ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ବାଣୀକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିମାନର ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କରିବେ ବା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ, ସଂସାରରୁ ନିଜର ମନ ଚିନ୍ତନକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ इतने श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। आप सब में जो श्रद्धा है उसको मैं नमन करता हूं। हमारे यहां राधा गोविंद धाम जेके योग संस्थान विभिन्न गांव में है, सब ने एकत्रित होकर यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इतना बृहद आयोजन, तो आयोजन में जितने भी कार्यकर्ता लगे उनका प्रयत्न बहुत प्रशंसनीय है। हम उनको अपना आभार व्यक्त करते हैं। एवं जो लोग निकट से दूर से इतनी श्रद्धा से यहां पर आए, शास्त्र कहते हैं आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग में कोई आता है, भगवान जिस पर कृपा करते हैं वो ही सत्संग में आता। अतः आप सब लोग भगवान के कृपा पात्र, जितने भी श्रोतागण हैं सबको हम बधाई देते हैं। प्रवचन से पहले हम लोग भगवन नाम संकीर्तन रसास्वादन करें, पश्चात हम आध्यात्मिक तत्व में प्रवेश करेंगे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
कुछ सुनाई खास नहीं दे रहा, कुछ लोग प्रेम से गा रहे हैं, किसी किसी का मन अभी उधर उधर भटक रहा है, वो शरीर से यहाँ पर है किंतु मन घर में है, दुकान में है, स्कूल में है। तो हमें पूरे मनोयोग से देखिए, एक आपको बात बताएं, जब हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और ताली बजाते हैं, उससे हाथ की लकीरें बदल जाती, यानी भाग्य बदल जाता है। प्लस जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठे हो, हम वृक्ष को हिलाएं तो पक्षी उड़ जाते, ऐसे जब आप कीर्तन में भाग लेते हैं, ताली बजाते हैं, सब पूर्व पाप शरीर से आत्मा से उड़ जाते हैं। इसलिए सब लोग उत्साह पूर्वक भाग लेंगे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे,
कृष्ण भगवान की। श्यामल रामचंद्र की। उमापति महादेव की। श्री दुर्गा माता की। पवन सुत हनुमान की। श्री जगन्नाथ स्वामी की। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। जय जय श्री राधे। कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए एवं संपूर्ण संसार का विस्मरण करके भगवत तत्व को ग्रहण करने का अभ्यास करें। हम सब के सामने एक स्वर्णिम अवसर है। वो स्वर्णिम अवसर को जो समझ जाता है अपने जीवन में कल्याण का प्रयत्न करता है। जो नहीं समझता वो अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है। ये स्वर्णिम अवसर क्या है? मानव शरीर जो हमको मिला है, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षी भी करते। ये मानव शरीर उठने में सीमित नहीं रखना है। एक गाय जमीन से घास चर लेती है, आप थाली से भोजन ग्रहण करते हैं, किंतु आहार की क्रिया जैसे गाय की है वैसे हमारी है। जो सुख आपको रसगुल्ले से मिलता वही सुख गाय को हरी घास से मिलता। तो आहार पशु पक्षी भी करते हैं जैसे हम करते हैं, और निद्रा वे भी निद्रा करते हैं। आप खाट पे लेट के सोते हैं, पशु पक्षी जमीन पे सो जाते हैं, किंतु निद्रा का सुख जैसे आपको मिलता है ऐसे घोड़े को हाथी को कुत्ते को भी मिलता है। अपनी रक्षा करना, आप घर बना के रक्षा करते हैं, पशु पक्षी अपने दांतों से पंजों से रक्षा करते हैं, किंतु रक्षा करने की क्रिया बराबर है। और मैथुन, आप बच्चे पैदा करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, मनुष्य से अधिक 4 बच्चे एक साथ 6 बच्चे एक साथ। तो ये क्रियाएं मात्र के लिए मानव शरीर नहीं मिला। भगवान ने हमको इस शरीर के साथ संसार में भेजा, तो इसकी सार्थकता क्या है? किस प्रकार से हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं? हमारे पास एक शक्ति है जो किसी पशु के पास नहीं है, ये है ज्ञान शक्ति। भगवान ने आपको ज्ञान दिया, आप ज्ञान से चिंतन कर सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है। ऐसा चिंतन पशु नहीं कर सकता।
तो ये मानव शरीर में ही भगवान ने ऐसी ज्ञान शक्ति दी है। अतः इसमें हमें सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधा है, जो किसी अन्य प्राणी के पास नहीं है। किंतु मानव शरीर में एक गड़बड़ी भी है, वो क्या? ये नश्वर है, क्षणभंगुर, किसी भी समय छिन सकता है। अतः कुछ टाइम के लिए हमको अवसर मिला है, उसमें भी जब बुढ़ापा आ जाता है तो साधना नहीं हो पाती। जैसे घर में आग लग गई, अब कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं, पहले सोचना चाहिए था। ऐसे ही जब शरीर अस्वस्थ हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया, तो फिर हम भक्ति साधना भी नहीं कर सकेंगे। यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावत् च दूरे जरा, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में शक्ति है, आत्म कल्याण का प्रयास कर लो, बाद में केवल पश्चाताप होगा। इसीलिए ये स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल रहा है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, अवसर बीत्यो जात अरे मन, अरे मन, अवसर बीत रहा है, उसका पूरा उपयोग करो। तो कैसे उपयोग करें इस अवसर का? हमारा धर्म क्या है? हम जो संसार में आए, हमारा क्या धर्म बनता है? भागवत में कथा आती है कि कलयुग के प्रारंभ में राजा थे परीक्षित, भारतवर्ष के। ये परीक्षित अर्जुन के नाती थे, यानी अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। तो महाभारत में अभिमन्यु तो मारा गया, किंतु उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था। तो पश्चात जब परीक्षित पैदा हुए, ये पांडवों के वंशज, तो परीक्षित को राज्य मिला और बहुत शक्तिशाली राजा थे, धर्म परायण, न्यायपूर्वक। ये कलयुग के प्रारंभ की बात है। तो एक दिन परीक्षित निरीक्षण करने गए अपने राज्य का, और देखा कि एक बैल की तीन टांगे टूट गई है, और वो बैल एक टांग पर ही खड़ी है, और एक दुष्ट लाठी लेकर वो बैल की एकमात्र टांग को मार रहा है, और बैल के बगल में गाय खड़े होकर अश्रु बहा रही थी। परीक्षित राजा को बहुत दुख हुआ, मेरे राज्य में एक असहाय पर ऐसा अत्याचार, कौन है ये? तो परीक्षित उस दुष्ट का पीछा किए, लास्ट में उसको पकड़े, तो पता लगाया बात क्या थी। वो गाय
थी पृथ्वी देवी मूर्तिवान, यानी पृथ्वी देवी का मूर्तिमान स्वरूप वो गायत्री। और बैल ये धर्म का मूर्तिमान स्वरूप था। तो धर्म की चार टांगे होती हैं, एक दया, दया का गुण, करुणा करना, एक सत्य, सत्य बोलना, एक तपस्या, तपस्या का पालन करना, तपस्या यानी त्याग, और एक स्वच्छ, स्वच्छता, शरीर भी स्वच्छ, मन भी स्वच्छ, व्यवहार भी स्वच्छ। तो ये चार टांगे होती हैं धर्म की, दया यानी अहिंसा, सत्य, तपस्या और स्वच्छता। तो वो जो बैल खड़ा था उसकी तीन टांगे टूट चुकी थी, सत्ययुग में एक टांग टूट जाती, त्रेता युग में एक और टांग टूट जाती, द्वापर में एक और टांग टूट जाती। अब कलयुग आ गया तो बैल एक ही टांग पर खड़ा था और वो दुष्ट आदमी डंडा लेके उसको भी मार रहा था। परीक्षित ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कलयुग हूं, कलयुग मूर्तिमान आया हुआ था। मेरा काम है अधर्म को बढ़ाना, इसलिए मैं ये धर्म रूपी बैल के लास्ट टांग को मार रहा था। परीक्षित ने कहा, मैं राजा हूं और मैं धर्म की रक्षा करता हूं, मैं तुमको अपने राज्य से बाहर निकाल रहा हूं। वो दुष्ट कलयुग ने कहा कि देखो, भगवान की इच्छा है कि अब कलयुग तो आ चुका है, इसलिए आपके राज्य में भी मैं रहूंगा, आप मुझे पूर्णतया बाहर नहीं निकाल सकते, अपने राज्य में मुझे चार स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। परीक्षित ने कहा, बात तो सही है, जब भगवान की इच्छा से कलयुग प्रारंभ हो गया है तो हमें कुछ जगह तो देनी पड़ेगी इस दुष्ट को। तो परीक्षित ने कहा, मैं तुमको चार जगहें दे रहा हूं रहने के लिए, एक जुआ घर जहां जुआ खेला जाता है, एक कसाई घर जहां बकरे इत्यादि काटे जाते हैं, एक वेश्यालय और एक मदिरालय जहां शराब पिया जाता है। तुम ये चार जगहों में रहो। तो ये चार जगहों से धर्म नष्ट होता, वेश्यालय से स्वच्छता चली जाती, जुआ खेलने से त्याग तपस्या का गुण नष्ट हो जाता, क्षमा करें, जुआ खेलने से सत्य का गुण नष्ट हो जाता, मदिरालय जाने से त्याग का गुण नष्ट हो जाता, एवं कसाई घर मांस सेवन से दया का गुण नष्ट हो जाता। तो परीक्षित ने कलयुग को कहा, तुम इन चार जगहों में रह के अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हो। कलयुग ने कहा कि ये चार जगहें आपके राज्य में है ही नहीं, मैं कहां रहूंगा? आपने इतना सुंदर राज्य किया कि इस प्रकार के जगहें ही नहीं, कोई पांचवी जगह दो मुझे। तो
परीक्षित ने कहा ठीक है तुम सोने में रह सकते, यहां कनक सोना है वहां पर भी रह जाओ तो वहां से अपना प्रभाव बढ़ाना। आप कलयुग को जगह मिली। तो ये जो कथा आती है पुराणों में, इसमें हमको धर्म का स्वरूप पता चलता है। चार कार्यों से बचकर रहे, मदिरा सेवन, वेश्यागमन, मांस सेवन और जुआ खेलना, वरना इनसे धर्म नष्ट होगा। किंतु ये तो निषेधात्मक बात है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो और ऐसा मत करो। बात तो सही है लेकिन ये तो नेगेटिव बात। अब हम क्या करें, कैसे हमको धर्म का पालन करना चाहिए और हमारा धर्म है क्या? अब मात्र मदिरा पान छोड़ दिया इत्यादि, इससे तो धर्म पालन नहीं हुआ। पॉजिटिव बात बताइए क्या करना है। पॉजिटिव बात है भगवान की भक्ति करनी है। वो भगवान जो है उससे हमारा नित्य संबंध है, उस संबंध को हम भूले हुए, भगवान को हम भूले हुए। और क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि हम अपने आप को ही भूले हुए। हम लोग जानते ही नहीं कि हम हैं कौन। अब हम कहते हैं मेरा शरीर, मैं का शरीर। तो ये मैं कौन है जिसका ये शरीर है? जैसे आप कहें मेरा घर, मैं का घर, तो आप घर नहीं है, ये आपका घर है, आप उसके मालिक हैं। जो मेरा है वो पृथक है, जो मैं है वो पृथक है। इसी प्रकार से हम कहते हैं मेरा शरीर, तो मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा है। वो मैं क्या है? मेरा मन। स्वामी जी मेरा मन भटक गया था। मेरा मन, तो आप मन भी नहीं है। आपकी बात हमारी बुद्धि में बैठ रही है। मेरी बुद्धि, तो आप बुद्धि भी नहीं, आप शरीर भी नहीं है, आप मन भी नहीं है, आप बुद्धि भी नहीं। अब बताइए आप कौन है? कौन है? एक आत्मा नाम का तत्व है। वो आत्मा जो है वो शरीर में निवास करती है, हृदय क्षेत्र में। आत्मा ने जीवत्व शक्ति पूरे शरीर में डाल दी। आत्मा के कारण ये हाथ पैर चलते हैं। जब कोई मरता है आत्मा निकल जाती है, तो शरीर वहीं पर है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, सब कुछ है, लेकिन कार्य बंद हो गया क्योंकि आत्मा चली गई। अब शरीर में जीवत्व शक्ति खत्म हो गई। इसको यह समझिए जैसे ये कपड़ा है, ये जड़ है ना, इसमें कोई जीवत्व है। अगर हाथ हिलाना बंद कर दे, कपड़ा फिर से जड़ हो गया, कपड़े की शक्ति नहीं। ऐसे ही आपका जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है। जैसे ये मिट्टी है ना नीचे, ऐसे ही मिट्टी से आपका शरीर बना।
जब आत्मा निकल जाएगी शरीर मिट्टी हो जाएगा। ये शरीर के तीन ही अंत होते हैं, या कृमि या विड या भस्म। कुछ लोग शरीर को जला देते हैं तो मिट्टी बन जाता, कुछ लोग शरीर को जमीन में गाड़ देते तो जमीन के कीटाणु आके इसको खा के मिट्टी बना देते, कुछ लोग इसको नदी में फेंक देते तो नदी के जीव जंतु इसे खा के पाखाना बना देते। जो भी हो, अंत में ये शरीर मिट्टी ही बनेगा। और शरीर का निर्माण कैसे हुआ? आप कहे स्वामी जी हम तो दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। लेकिन ये दाल चावल कहां से बने? मिट्टी से। आप तो गांव में रहने वाले अधिकांश लोग हैं ना, आप तो खेती देखते हैं खूब, वो मिट्टी से पौधा निकला, उसमें चावल उग गया, उसमें गेहूं उग गया, उसमें दाल उग गई, यानी ये मिट्टी से दाल चावल सब बने। मिट्टी परिवर्तित होके वो रूप धारण कर लिया, आपने उसको खाया, और जब खाया तो आपके शरीर में रस बना, फिर रस से रक्त बना, फिर रक्त से मांस बना, फिर मांस से मेदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा। ये सब मिट्टी का विकार है। यानी आपका शरीर मिट्टी से बना है और लास्ट में मिट्टी में मिल जाए, किंतु आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। शरीर तो संसार का अंश है, आप संसार के अंश नहीं है, आप भगवान के अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये भगवद गीता में लिखा है। अर्जुन, श्री कृष्ण कह रहे हैं, जितने भी जीव है संसार में सब मेरे सनातन अंश है। अर्थात हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश का मतलब क्या होता? अंश का मतलब टुकड़ा। जैसे समुद्र का अंश एक बूंद, ये समुद्र का टुकड़ा है। जैसे सूर्य का अंश एक किरण, ये किरण सूर्य का अंश है। जैसे पृथ्वी का अंश एक ढेला, ये पृथ्वी का अंश। तो हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, और वो परमात्मा अलौकिक है, इसलिए हमारी आत्मा भी अलौकिक है। किंतु परमात्मा विशाल है, महान है, और जीवात्मा अणु है, लघु है, छोटा है। किंतु हम भी भगवान के समान अलौकिक हैं। तो वो हमारा परिचय। अब उस बात को हम भुला दिए, अपने को शरीर मान लिए, तो हम इस संसार में भयभीत हो रहे हैं। जैसे एक बच्चा, वो दिवाली पर रायरामपुर में मेला लगा हुआ था, तो अपनी मम्मी के साथ वो 4 साल का बच्चा मेला देखने गया। मम्मी का हाथ पकड़ के वो मेला देख रहा है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी ये खाएंगे,
मम्मी हम राउंड राउंड जाएंगे, मम्मी ये खरीद दो हमारे लिए। मेले में अनेक आकर्षण है और बच्चे ने माँ के हाथ को पकड़ा है तो उसको मेले में बड़ा मजा आ रहा है। बीच में भीड़ में एक धक्का लग गया और माँ का हाथ छूट गया। तो माँ का हाथ छूट गया, अब लोग इधर आ गए उधर आ गए, चारों तरफ लोग आ गए, उसको पता नहीं मम्मी कहाँ गई। अब वो लगता है उसको मैं अकेला हूं यहां पे, तो रोता है परेशान है। मेला वैसा ही है, मेले में वही खाने वाली चीज, देखने वाली चीज, घूमने वाली चीज, सबको परेशान है। उसकी परेशानी का क्या कारण है? मम्मी के हाथ को उसने छोड़ दिया। अगर मम्मी मिल जाए, उसको फिर से हाथ मिल जाए, सब समस्या खत्म। ऐसे ही हम लोग इस संसार में अपनी आध्यात्मिक माँ के हाथ को छोड़ दिए, भुला दिए, अपने आध्यात्मिक पिता का विस्मरण कर दिए, तो ये संसार हमको भयानक लग रहा है। हमको ये चाहिए वो चाहिए और पिता का तो कुछ पता ही नहीं, तो व्यक्ति यहां पे परेशान होता। तो हमको शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से बोध होता है कि हम लोग अकेले नहीं है, हमारे परम पिता हमारे साथ में है। वो सदा आपके साथ रहते हैं किंतु आप जानते नहीं। अंदर रहकर आपकी रक्षा करते हैं। अब आप सब लोग महाभारत के बारे में तो जानते ही हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। अर्जुन रथ में बैठता था, श्री कृष्ण घोड़े हांकते थे। यद्यपि श्री कृष्ण तो भगवान थे और चोरी चोरी अर्जुन की रक्षा भी करते थे। तो महाभारत के अंतिम दिवस श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आज जब युद्ध समाप्त होगा, 18 दिन चली थी महाभारत, आज जब युद्ध समाप्त होगा तो तू रथ से उतर के दूर जाके खड़े हो जाना, मैं बाद में रथ से उतरूंगा। अर्जुन को इस बात का रहस्य समझ में नहीं आया, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं तो ठीक है, कर देते हैं। तो जब युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन दूर जाके खड़ा हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण उतरे रथ से, तो पूरा रथ उड़ गया, धमाके में सब टूट के खत्म हो गया। अर्जुन का रथ सब खत्म, चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण उतरे और चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने कहा, महाराज ये क्या हुआ? जैसे आप रथ से उतरे तो उसके लाखों टुकड़े बन गए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने इस रथ को संभाला हुआ था, वरना भीष्म के दिव्य अस्त्र, द्रोणाचार्य के दिव्य शस्त्र, कर्ण के शस्त्र इत्यादि, इस रथ में ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो उसको सहन कर पाए। मैं उसको संभाल के तेरी रक्षा कर रहा था। ऐसे ही अब वो अर्जुन को तो पता नहीं था, बट श्री कृष्ण रक्षा कर रहे थे।
ऐसे ही भगवान आप सब की रक्षा किए हैं, लेकिन आप कभी सोचे नहीं, आप कभी ध्यान नहीं दिए। अगर गंभीरता से सोचेंगे तो पाएंगे कि कितनी बार आपके परम पिता ने आपकी रक्षा की, आपकी देखभाल की, अर्थात वो चोरी चोरी आपके ऊपर कृपा करते रहे। वरना तो हम ऐसे बीमार पड़ते, कभी ठीक ही नहीं होते, इतनी समस्या आ जाती जिसका समाधान ही नहीं होता। तो पुराण कहते हैं वो हमारे सच्चे संबंधी हैं। और हमारा धर्म क्या है? अरे भाई, मदिरा सेवन मत करो, वेश्या गमन मत करो, ये तो निषेधात्मक चीज है। पॉजिटिव क्या करना है? सवाई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यं व्यवहिताय आत्मा संप्रसीदति। जो आपके परम पिता है वो परात्पर तत्व, उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना, और ऐसा प्रेम जो निरंतर हो, प्लस जो निष्काम हो। तो ये कैसा प्रेम होता है जो भगवान से करना है, हम लोग विचार करेंगे। थोड़ा और कीर्तन कर लें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे कैसे थक गए, तो और जोश के साथ करना है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे Yeah.
Yeah.
कि हम इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, फिर धीरे से जय घोष करें तो ये अच्छा नहीं लगता है। कम से कम यहाँ से लेके वृंदावन तक आवाज पहुंचनी चाहिए, रायरामपुर तक तो पहुंच ही जानी चाहिए। राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। पढ़ती ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में किताब है हमारा वेद इत्यादि, और टीचर है गुरु। तो शास्त्र कहते हैं एक गुरु की शरण में जाओ और गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, और गुरु से तुमको कृपा प्राप्त होगी तो भगवान मिलेंगे। गुरु कृपयैव केवलम। तो आपको हम जो समझा रहे हैं, जो हमने अपने पूज्य गुरुदेव से समझा, वो आप लोगों को बता रहे हैं। इसलिए उनका परिचय हमारे भारतीय इतिहास में अनेक अनेक संत आए, हजारों हजारों संत, भगवत कृपा प्राप्त ऐसे ऐसे संत जिन्होंने विभिन्न प्रकार के भजन लिखे, भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया और समाज में आध्यात्मिक चेतना फैलाए। इसलिए ये भारत भूमि जो है ये इतनी पवित्र मानी जाती है विश्व भर में। किंतु कुछ ऐसे संत हुए जो वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान भी थे और भगवान की भक्ति को भी प्राप्त किए हुए थे, तो उनके पास इतना ज्ञान था कि समस्त विद्वत समाज ने इनको स्वीकार किया कि ये तो जगत गुरु है, इन जगत के गुरु, और इनके ये अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकते हैं। तो ऐसे इतिहास में पहले गुरु थे, जगत गुरु थे आदि शंकराचार्य, जो 2000 साल पूर्व आए थे। तो आदि शंकराचार्य इन्होंने जो सिद्धांत स्थापित किया था उसे कहते हैं अद्वैतवाद। वे अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक थे। पश्चात 1300 साल पहले आए द्वितीय जगत गुरु, इनका नाम था जगत गुरु निम्बार्काचार्य। एवं वे जो सिद्धांत स्थापित किए उसे कहते हैं द्वैत अद्वैतवाद। पश्चात 1000 साल पूर्व आए तीसरे जगत गुरु, जिनका नाम था जगत गुरु रामानुजाचार्य। एवं वे जो सिद्धांत स्थापित किए उसका नाम है विशिष्ट अद्वैतवाद। जो लोग दर्शन शास्त्र पढ़े हैं उनको ज्ञान होगा, आइडिया होगा। पश्चात 800 साल पूर्व चौथे जगत गुरु आए, इनका नाम था जगत गुरु माध्वाचार्य। एवं वे जो सिद्धांत स्थापित किए उसका नाम था द्वैतवाद। तो बीच में 750 साल के पश्चात पांचवें जगत गुरु आए। उस समय कृपालु जी महाराज 34 वर्ष के थे, मात्र 34 वर्ष, किंतु काशी के विद्वत परिषद ने उनको आमंत्रित किया एवं वहां 10 दिन तक उनका परिष्कृत संस्कृत में प्रवचन हुआ, जिसमें वो 500 वेदिक शास्त्रों के प्रमाणों सहित
आध्यात्मिक तत्व को प्रशस्त किए। जब पूरी विद्वत सभा को बोध हो गया कि इनका ज्ञान सबके मिलित ज्ञान से भी गहरा है, तब उन्होंने कृपालु जी महाराज को पंचम मूल जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। तो उनसे उनका जो ज्ञान का समुद्र था, उससे एक बूंद जो हमको मिली वो आप सबको बांट रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करें, भगवत साक्षात्कार करें, भगवत प्रेम प्राप्त करें। ये सब कैसे होगा? क्योंकि भगवत तत्व जो है वो बुद्धि से परे है, वो आंख से आप भगवान को नहीं देख सकते। आपकी आंख माया की बनी हुई है, प्राकृत, और भगवान अप्राकृत है, अमायिक, अलौकिक। तो लौकिक आंख से अलौकिक भगवान नहीं दिखेंगे, और लौकिक कान से आप अलौकिक भगवान की मुरली भी नहीं सुन सकते। आप कहें साहब, हमने सुना है कि श्री कृष्ण वृंदावन में अभी भी मुरली। तो ये हमारे लौकिक इंद्रिय मन बुद्धि से हम भगवान को ग्रहण करने चलते हैं, और वो हमारी पकड़ में नहीं आते। इसीलिए ये भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार एक पहेली है सबके सामने। आप कहें कि भगवान हमसे मिल जाए तो बस बस, क्या फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा नहीं है। 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण आए थे, उस समय भी हम लोग यहीं पर थे। हमारे पूर्व जन्म में हमारे भारतवर्ष की फिलॉसफी एक जन्म की नहीं है, आत्मा अनादि है। इसका मतलब इससे पहले भी हम जन्म ले चुके, और उससे पहले भी ले चुके, और उससे पहले भी हमारा जन्म हुआ। हम सबके अनंत जन्म हो चुके। तो 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण आए, हम पूर्व जन्म में यहीं पर थे। त्रेता युग में भगवान राम आए और 11000 वर्ष तक लीलाएं किए, उस समय भी हम पूर्व जन्म में यहीं पर थे। संभव है हमने भगवान को देखा हो, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि लौकिक आंख से हमने देखा, हमको भगवान भी लौकिक दिखे। इसलिए गीता कहती है, अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम्। अर्जुन, श्री कृष्ण कह रहे हैं, जब मैं अवतार लेकर आता हूं, मायाधीन जीव मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि मेरा अलौकिक शरीर उनकी लौकिक आंख। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम अपने बल से भगवत साक्षात्कार कर लेंगे। कोई भी जीव अपने बल से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। और फिर देखिए, भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, करेक्ट? भगवान अंदर बैठा है ना, तो कहां भगवत प्राप्ति हो रही, पता ही नहीं चल रहा। भगवत प्राप्ति कैसे होगी?
कैसे होगी? एक ही उपाय है, वे जब कृपा करेंगे हमारे ऊपर तब जाके भगवत प्राप्ति होगी। यानी जीव को उनकी कृपा चाहिए। लभ्यते पितत कृपयैव। जीव के साधन सीमित है और वो सीमित साधन भगवान तक पहुंचने में समर्थ नहीं है। देखिए, अगर आप एक 5 साल के बच्चे को रायरामपुर कॉलेज की क्लास में बिठा दें और बच्चे से पूछे टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो बच्चा क्या बोलेगा? पता नहीं, सब बुद्धि के ऊपर से जा रहा है। यानी उसकी बुद्धि की सीमा के बाहर है ये टॉपिक। ऐसे ही हमारी बुद्धि माया की बनी है और भगवत तत्व माया से परे है। तो कोई विद्वान चैलेंज करे, हम तो PhD है, हम तो डीलिट है, हम भगवान को जान जाएंगे, हम संस्कृत के पंडित हैं, ऐसा नहीं हो सकता। षट शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीण तथा गम व्याकरणादिनिष्ठ बिना हरेर भागवत प्रसादम जानाति को भागवतांतरार्थम। बिना भगवान के प्रसाद के, बिना उनकी कृपा के कोई उनको नहीं जान सकता। अतः हम सबको उनकी कृपा अपेक्षित है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। ये कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा कैसे होगी? क्या हमको किसी वेबसाइट में एप्लीकेशन डालना पड़ेगा? भगवान क्या हमारा आधार कार्ड चेक करेंगे? कौन से आधार पे भगवान कृपा करते हैं? या क्या भगवान मन माना है, अरे इसकी नाक टेढ़ी है इस पे कृपा नहीं करेंगे, इसकी नाक ठीक है इस पर कृपा कर देंगे? क्या भगवान उच्छृंखल है, मन माना है, मूडी है क्या? जी नहीं, वो तो न्याय करता है, उसके विधान है, उसके नियम है, नियम के अनुसार वो कृपा करता है। जो नियम का पालन कर ले, वो 5 साल का प्रहलाद हो उस पर कृपा हो जाएगी, एक गीत जटाई हो उस पर भी कृपा हो जाएगी, और बहुत बड़ा विद्वान हो लेकिन नियम न माने तो कृपा से वंचित रह जाएगा। तो कृपा को पाने के लिए हमें साधना भक्ति करनी पड़ेगी। साधना भक्ति मतलब अपने मन को भगवान में लगा के शुद्ध करना। ये मन को भगवान में लगाना है, उसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट, भगवान से संसार नहीं मांगना, इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। आप भगवान के पास जाएं लेकिन उनसे संसार नहीं मांगना। दूसरी बात, निरंतर भक्ति करना, अर्थात आपका मन निरंतर भगवान में लगा रहे, ऐसी बात। और तीसरी बात, अनन्य भक्ति, माने मन का अटैचमेंट संसार में न हो, बेटा बेटी स्त्री पति माँ बाप में न हो, मन का अटैचमेंट केवल उनमें हो। माम एकम शरणम व्रज, ये अनन्य भक्ति, ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी।
साधन क्या है? साधन है तीन प्रकार से अभ्यास करो, मुख से कीर्तन करो, कान से श्रवण करो और मन से स्मरण करो। देखिए अभी हम लोग पहले 15 मिनट कीर्तन किए, पश्चात हम 10 मिनट कीर्तन किए, सबका मन लगा, ये सबका मन कीर्तन से लग गया, यानी ये कीर्तन एक माध्यम है मन को भगवान में लगाने का, ये श्रेष्ठ माध्यम है। इसीलिए तीन प्रकार की भक्ति करो, मुख से कीर्तन करो, कान से श्रवण करो और मन से स्मरण करो, और प्रयत्न करो कि मन भगवान में प्रेम युक्त लग जाए। तो धीरे धीरे अभ्यास से वहां तक पहुंचेंगे। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है तो धीरे 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 उन्नति होती, ऐसी भगवान की भक्ति करनी है, साधना करनी है तो धीरे धीरे उन्नति होगी। तो प्रतिदिन 1 घंटा साधना करो और दिन भर सोचो वे हमारे साथ में है और उनके सामने संसारी कामना मत करो, तो क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब उस शुद्ध अंतःकरण में भगवान गुरु के माध्यम से दिव्य प्रेम देंगे, उसे कहते हैं प्रेमा भक्ति। और जिस दिन प्रेमा भक्ति मिल जाएगी तो भगवान जीव के दास बन जाएंगे, जो सबके मालिक हैं वो अपने भक्त के दास बन जाते। तो ऐसा मार्ग जो भगवान को दास बना लेता, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें उनसे निष्काम प्रेम, निरंतर प्रेम, नित्य प्रेम, अनन्य प्रेम करना है। इसी का आप लोग प्रयास करें। शेष फिर कभी वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज की। तो कुछ सूचनाएं लास्ट में। कटक निकटस्थ 12 गांव में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का कैंपस है, 100 एकड़ का कैंपस। जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का 100 एकड़ का कैंपस है, वहां पर हम साधना शिविर कराने वाले। तो साधना शिविर में विश्व भर से लोग आएंगे, सब प्रांतों से और सब देशों से। तो आप सब लोग तो अपने ही उड़ीसा प्रांत के हैं और आप सबका भी वहां पर हार्दिक निमंत्रण है, जिसकी भी इच्छा हो आप हमारे कार्यकर्ताओं से जानकारी ले लें एवं आप वहां पे आ सकते हैं। साधना का शुल्क 5 दिवस शिविर है, 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक, एवं साधना शुल्क रहेगा मात्र 500 रुपए। रहना खाना सब मिला के, रहना भोजन सब मिला के 5 दिवस का मात्र 500 रुपए, ताकि सब लोग भाग ले सके। तो जिसकी भी इच्छा हो आप ये होली के उपलक्ष में भक्ति योग साधना शिविर में सम्मिलित हो, वहां पे हम आपको इस मार्ग में आगे बढ़ाएंगे और भक्ति का अभ्यास कराएंगे। तो तापस भाई को हम माइक देते हैं, उनको कोई सूचना इत्यादि करनी हो। स्वामी जी को अनेक अनेक धन्यवाद, सीए सारा विश्व परिक्रमा कर ता मध्यरे ए छोटिया गांटी उपरे सी मध्य कृपा करी आम गहणरे आसी 2-3 घंटा उपस्थित रही जो अलौकिक एवं दिव्य वाणी आम सामने उपस्थापन कले सेटा निर्भर करे आम उपरे कि आमे वाणी को आमे
राधे राधे। आमे से बाणी को केते मात्रा रे मानिबा आमो जीवन रे ताकु फिजिकली केते मात्रा रे आमे ताकु मानिकरी आगु को भगवत दिगो को आमे चालिबा सेटा आमो ऊपर निर्भर करे। स्वामी जी प्रकाश कले कि आसंता मार्च 6-10 पर्यंत 5 दिन धरी कटक 150 एकर परिमित जगह उपरे सुनसान स्थान अति प्राकृतिक परिवेश मध्यरे 5 दिन धरी दिव्य प्रवचन एवं हरिनाम संकीर्तन कटक रे हेबा पई जाउची जगतगुरु कृपालु यूनिवर्सिटी परिसर मध्यरे बहुत सस्ता सुंदर एवं मजबूत जहाँ को कहा जाए 5 दिन आपण माने सेठी रहिबे खाइबे पीबे इत्यादि सबकिछि मात्र 500 टंकारे आपण माने हरिनाम संकीर्तन करिबे एवं दिव्य अलौकिक प्रवचन मध्य शुणिबे एपरी से स्थान थरे जदि जिबे सेठी मन लागिजिवो एवं निजर आत्मार अनेक कल्याण हो जहाँ मो चिंता बाहरे थरे खाली जाई देखंतु रहिबार सोइबार खाइबा पीबार टिके हेले कौनसी असुविधा नहीं। लेडिज मानंक निमन्ते संपूर्ण अलगा जेंट्स मानंक निमन्ते संपूर्ण अलगा सकाळ जळीखिया ठारु आरंभ करी डिनर पर्यंत समस्त प्रकार सुव्यवस्था सुबंदोबस्त सेठारे अछि। कुहा जाए जो पर्यंत जेउ पक्षी उड़े जे तेणु आपण माने जदि आमर तिखिया राधा गोविंद धाम जेउठी 12 मास संध्या 7-9 नौटा पर्यंत हरिनाम संकीर्तन होउची एवं श्री कृपालुजी महाराजंक प्रवचन वर्तमान जगतगुरु कृपालु योग ट्रस्ट तरफरु स्कूल पिलामानंकर पाई छोट छोट कुनी सामग्री अछि ताकु से माने जणे परे जणे आसी कि मेरे उत्कलमणि गोपबंधु 81 जन आमर टोटाल पूर्व निर्धारित हिसाब अच्छी से बेल आम प्रस्तुत अच्छी। उत्कलमणि गोपबंधु सरकारी प्राथमिक विद्यालय गड़ीगा सरकारी प्राथमिक विद्यालय बड़पाखणा सरकारी प्राथमिक विद्यालय पिला माने गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो Thank you.
स्वामीजी आम कथा रखी यही अंचल को किसी समय देखिए अशेष अशेष धन्यवाद आम आशा कर आगामी दिन में स्वामीजी आमको बेस समय देवे आम बहुत आशा अच्छी सबू सत्संगी मान दीखियार नागमोहन रायरंगपुर समस्त सत्संगी मान धन्यवाद जो मैंने बालेश्वर आत्संगी मैंने अशेष धन्यवाद केन्दुर राष्ट्रीय सत्संगी मान अशेष धन्यवाद चाईबसा टाटा राष्ट्रीय सत्संगी मान अनेक धन्यवाद समस्त पुलिस बाहन को धन्यवाद प्रिंट मीडिया प्रेस मीडिया जो भाई मैंने आम प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया से अशेष अशेष धन्यवाद समस्त श्रद्धा को बहु संख्यार जग देम तरफ अशेष अशेष धन्यवाद राधे राधे जो प्रसाद व्यवस्था है सेपटे आम भलेंटीयर सत्संगी मैं अनुरोध से श्रृंखला सहित समापन करेंगे आरती वर्तमान आरती थाली लगे दिखाई
चरण स्पर्श करूँ ना बेस भिड़ हो विशृंखला हम बर्तमान आरती हम आपने श्रृंखला सहित ठिया हूँ प्रसाद सेवन पाखे आमर भलेंटीयर्स मैंने श्रृंखला सहित प्रसाद वितरण करेंगे विशेषकर केमेश्वर वासी अनुरोध और दूर दूरा सत्संगी मैंने
हेलो हेलो क्यों गया।